हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम आपके दोस्त फिर से आपके लिए पांच इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आए हैं। अगर आपको ये वर्ड्स समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका अगर कोई वीडियो रह गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अप टू डेट हो सकते हैं। देखिए, ये क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को सर्जरी होया हुआ है, सॉरी वो स्टिचिंग लगी हुई है और उससे क्या हो रहा है, ऑर्गन वापस आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? अगर ऑर्गन हल्का दिखने लगता है तो उसको डेहिसेंस कहते हैं, और अगर ऑर्गन पूरी तरह बाहर निकल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एवीएस्क्रेशन कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आज डेहिसेंस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं। जब मैं वूड हीलिंग पढ़ रही थी ना चैप्टर, तो मेरे को ये वर्ड मिला और मेरे को ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, जो सो मैंने ये वर्ड आपके लिए लेके आया। ये एक क्या है? ये एक सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन इन विच ये उंड रप्चर एलोंग ए सर्जिकल इंसिजन, मतलब क्या जो स्टिचिंग होता है ना उसके साथ क्या होता है, उंड क्या होता है, रप्चर कर जाता है। रिक्स फैक्टर इंक्लूड एज, कोलाजन डिसऑर्डर सच एज एहरल डाउनलोड सिंड्रोम, डायबिटीज, ओबिसिटी, पुअर नोटिंग और ग्रेविंग ऑफ स्ट्रिचेज एंड द ट्रामा ऑफ द उंड आफ्टर द सर्जरी। आखिर ऐसा होता क्या है? जैसे कि हम मान लीजिए कि हैंड में सर्जरी करवाएं और उसमें स्टिचेज लगा हुआ है, तो हम कोई काम कर रहे हैं और भूल गए कि हमारे हाथ में स्टिचेज है और हमने क्या कर दिए, उसी हाथ से काम करने लगे, तो उससे क्या हो सकता है, आपके स्टिचेज टूट सकते हैं और ऑर्गन बाहर आ सकते हैं। ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है, लेकिन और भी रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि ये जो उंद है उसका जल्दी ना भरना, एज के कारण, कोलाजन डिसऑर्डर के कारण, कोलाजन डिसऑर्डर में मेनली एहरल डाउनलोड सिंड्रोम के कारण, डायबिटीज के कारण, जो पेशेंट डायबिटिक जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें वो हीलिंग बहुत स्लो होती है, ओबेसिटी के कारण, पुअर नॉटिंग के कारण। ठीक है, अब समझ में आ गया कि क्या होता है जब स्टिचिंग होता है तो क्या होता है। अगर ये अगर आप सही से उसका देखभाल नहीं कीजिएगा तो वो एक ऑर्गन क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और स्टिचिंग टूटने का डर रहता है। तो कृपया सही से करें जब भी स्टिचिंग हो। अब दूसरा डिसऑर्डर क्या है, फिस्टुला। फिस्टुला क्या होता है? ये क्या है, एक क्या है, एबनॉर्मल कनेक्शन है बिटवीन टू बॉडी पार्ट, मतलब दो बॉडी पार्ट तो कनेक्ट हो गया लेकिन वो कनेक्शन कैसा हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, जैसे कि ऑर्गन और ब्लड वेसल्स एंड अनदर स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल दे रहा है, क्या दे रहा है, फिस्टुला आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इंजरी ऑफ या सर्जरी, मतलब सर्जरी गलती से हो गया है, इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, इसके कारण क्या होता है, फिस्टुला होता है, एबनॉर्मल कनेक्शन हो जाती है जिसके कारण देखिए डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, स्ट्रीचर और स्टेनोसिस क्या होता है? तो देखिए, स्ट्रोमा स्ट्रीचर कैन ऑकर एट द लेवल ऑफ द स्किन ऑफ द फेसिया। ये कहाँ तक होता है, लेवल ऑफ द स्किन ऑफ द फेसिया तक होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें ये होते हैं कि वो जो हमारा डेहिसेंस में क्या था, ऑर्गन बाहर निकल गया, इसमें हीलिंग ज़्यादा हो जाने के कारण वो हीलिंग बाहर निकल जाता है। इट इज़ ए रिलेटिवली रेयर कॉम्प्लिकेशंस बीइंग फाउंड इन ओनली 1% to 10% ऑफ स्टोमाज। कॉजेस क्या है, इस्कीमिया, ऑक्सीजन की कमी, और मैकेनिकल या टेक्निकल। अब लेप्रोटोमी क्या है, तो ये सर्जिकल इंसिजन इनटू विच इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जो एब्डोमिनल कैविटी में हम सर्जरी करते हैं उसी को क्या कहते हैं, लेप्रोटोमी कहते हैं। द ऑपरेशन इज डन टू एग्जामिन द एब्डोमिनल ऑर्गन। अब ये लेप्रोटोमी होता क्यों है, तो ये ऑपरेशन क्यों होता है, जब आपके एब्डोमिन में क्या हो, कोई ऑर्गन क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, या उनका एग्जामिन करना रहे या उनका ऑपरेशन करना रहे, तब हम क्या करते हैं, लेप्रोटोमी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो स्टेबलिज द स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, मतलब आपका ट्यूमर कितना स्प्रेड हुआ है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, लेप्रोटोमी यूज करते हैं। ठीक है, देखिए लेप्रोटोमी में ऐसे होता है। अब क्या आ गया आपके पास, तो विलेरियन डिजनरेशन। अब ये क्या है, ये प्रोसेस दैट रिजल्ट व्हेन ए नर्व फाइबर इज कट और क्रस्ट और द पाथ ऑफ द एक्सॉन लीड्स टू द इंजरी, मतलब अगर नर्व का कोई पार्ट काट दें या उसे क्रश कर दें या उसे क्या करें, ये क्या होता है, वो दोनों स्टिमुलस एक जगह से दूसरी जगह जाता है
वो कनेक्शन डी जनरेट कर रहे हैं, तो कौन सा डिजीज होगा? वो तब होगा डिजनरेशन, कौन सा? वॉलेरियन डिजनरेशन। ठीक है, तो वॉलेरियन डिजनरेशन में क्या होता है, नर्व क्या होते हैं, या तो काट दिए जाते हैं या क्रश कर दिए जाते हैं, स्टिमुलस से इसे नहीं हो पाता है। ये क्या है? लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में क्या होता है, तो एब्डोमिनल कैविटी का क्या होता है, इंसीजन होता है। सिस्टर और स्टेनोसिस किसके कारण होता है, तो स्केमिया और मैकेनिकल या टेक्निकल के कारण होता है। ठीक है, ये फिस्टूला, फिस्ट एबनॉर्मल कनेक्शन को क्या कहते हैं, फिस्टूला कहते हैं। दहिसन, जब स्टिचिंग होता है और वो निकल जाता है तो ऑर्गन दिखने लगते हैं, उसको दहिसेंस कहते हैं। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आपके दोस्त विदा लेती है, बाय बाय, टेक केयर।